हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम अनीशा है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज मैं जा रही हूँ ट्रेन से, बहुत ही ज्यादा लॉन्ग जर्नी होने वाली है और बहुत मजा आने वाला है। अभी हम लोग स्टेशन जा रहे हैं और वहां से हम लोग की ट्रेन है, वो भी अभी सुबह 9 बजे की ट्रेन है हमारी। और मैं आज जल्दी रेडी हो चुकी हूँ उसके लिए, तो मैं मतलब एकदम बहुत ही ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं सुबह सुबह ही जल्दी उठ गई। सो चलिए पूछते हैं इनसे कि मैं इतनी जल्दी रेडी हो गई तो इनका क्या कहना है। ये तो फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट करने वाले हैं आप सबसे, सो क्या कहना है आपका? हेलो गाइस, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है कि इतनी जल्दी रेडी हो गई है, क्योंकि हर टाइम मतलब सबसे लेट करती है और एकदम ऑटो वाले भैया भी परेशान हो जाते हैं इसको, मतलब कि कितना और लेट होगा। और आज तो मैं जल्दी भी उठ गई हूँ, फर्स्ट टाइम मेरे को लग रहा है पूरी लाइफ में ऐसा, और विदाउट अलार्म वो भी। ठीक है, अच्छा है। सो हम लोग इतनी लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हैं तो मैं और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया है कि वो भी इस व्लॉग में, अब मतलब मेरे इस व्लॉग्स में अब ये भी पार्ट हुआ करेंगे। और पहले तो ये नहीं मान रहे थे, मैंने इन्हें मनाया कि इतनी लॉन्ग जर्नी पे जब हम लोग जा ही रहे हैं और मतलब हम लोग घूमना फिरना करेंगे तो अकेले मैं कितनी व्लॉगिंग कर पाऊंगी, और थोड़ा ये भी इन्वॉल्व होंगे तो आप लोगों को भी देखने में ज्यादा मजा आएगा। आपका क्या कहना है इस व्लॉग के बारे में? देखते हैं, अब मैंने कमिट कर दिया है तो ट्राई करते हैं, अगर अच्छा होता है तो अच्छी बात है, आई ट्राई माय बेस्ट। सो लेट्स सी कि हम लोग कैसे व्लॉगिंग करते हैं। आप लोग तो फुल सपोर्ट कीजिए, मैं अपनी पूरी ट्रेन की जर्नी आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो बने रहिए। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं वहां की सारी डिटेल, सारी इन्फॉर्मेशन आप सबको मिलेगी। सो कीप वॉचिंग माई फुल व्लॉग्स एंड स्टे ट्यून्ड। तो हमारी सवारी आ चुकी है, हम लोग निकल चुके हैं, स्टेशन जा रहे हैं, बने रहिए आप लोग साथ में। और एक चीज दिखा दूं आप लोगों को कि इसने बोला कि लगेज एकदम ना के बराबर ले जाएंगे, और आप लोग देख सकते हैं कितना लगेज है, मतलब इतना नहीं होगा तो कपड़े किस में लेके। एक ट्रॉली इसने बोला कि एक ट्रॉली से ज्यादा नहीं होगा, ये बोलते बोलते आप लोग देख सकते हैं कि इसने 3 लगेज का डब्बा बना दिया है। और सर मेरे को एक बोलना पड़ेगा, मतलब लग रहा है कि हम लोग 2-3 महीनों के लिए कहीं जा रहे हैं, इतना लगेज इसने ले लिया है, तो अब क्या ही कर सकते हैं। जा रहे हैं तो इतना सामान तो होना जायज बात है, मतलब अब जरूरत का सामान तो ले जाना ही पड़ेगा ना। अब आप लोग बने रहिए, आप लोग बने रहिए और देखिए कि मुझे कितनी प्रॉब्लम होती है इस लगेज की वजह से। मैं भी एक दो को उठा लूंगी। चलिए ठीक, तो हम लोग स्टेशन पहुंच चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग स्टेशन में बैठे हुए हैं। तो हमारी ट्रेन आ चुकी है, इतनी देर वेट करने के बाद फाइनली चलिए। तो हम लोग सेकेंड एसी में ही आए हैं, इसमें सेकेंड एसी है लास्ट, फर्स्ट एसी के लिए नहीं, तो हम लोगों ने ट्राई किया था बट इसमें नहीं है। ट्रेन हमारी चल चुकी है, इतना मतलब वेट कराने के बाद आज तो हम लोग को दिक्कत भी बहुत हुआ, क्योंकि हम लोगों को पहले तो पता ही नहीं था कि ये हमारा बर्थ है कहाँ पे, और हम लोग चले गए ऑपोजिट साइड। गाइज हम लोग अभी ट्रेन में बैठ गए हैं और ट्रेन भी चल चुकी है, तो हम लोग, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। तो फाइनली हम लोगों ने अपनी सीट ढूंढ ली है, एक्चुअली हमारा जो बर्थ था वो ऑपोजिट साइड लग गया और ये ऐप पे कहीं और दिखा रहा था, तो हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी बट फाइनली हम लोग अपनी सीट पे बैठ गए हैं और ट्रेन खुल चुकी है और काफ़ी एक्साइटेड हैं हम लोग, तो बने रहिए आप लोग साथ में, देखते हैं कितना मज़ा आता है। तुम
टैब से चेक कर रहे हैं, सब हाईटेक हो गया है। ट्रेन में टाइम पास करने के लिए मेरा नेल पेंट सेशन स्टार्ट हो गया और मैं ट्रेन में ही नेल पेंट लगाने लगी हूँ। जमालपुर से पटना के रास्ते में काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्री है। तो हम लोग अभी पटना पहुंच चुके हैं और अभी जा रहे हैं हमारी दूसरी ट्रेन पकड़ने के लिए। काफ़ी ज़्यादा रश हो गया क्योंकि हमारी ट्रेन काफ़ी लेट हो चुकी थी, तो फाइनली हम लोग अभी टाइम पे पहुंच गए हैं। तो चलते हैं ट्रेन में अंदर, चलिए। ये मेरे सामान उठाते उठाते हम थक ही गए, चलिए चलते हैं। सो हम लोग फाइनली हमारी ट्रेन में एंटर कर चुके हैं और हमें हमारी सीट भी मिल गई है। और जैसे ही हम लोग एंटर हुए, मुझे तो सब लोग ऐसे देख रहे थे क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी, तो सब लोग मुझे ऐसे घूर घूर के देख रहे थे। और हमारी सीट तो बच्चों ने घेर ली थी, लेकिन हम लोगों को हमारी सीट मिल गई। और आगे आने वाले बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए आई एम सॉरी, इतने सारे बच्चे अगल बगल में थे जिसकी वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रही थी, बट कोई नहीं। तो फाइनली वी आर इन ट्रेन, सो वी आर गोइंग टू, फाइनली आई शुड रिवील इट, हम लोग गोवा जा रहे हैं। जिस ट्रेन से हम लोग जा रहे हैं, ये ट्रेन पटना से वास्को डिगामा तक के लिए है। ये सैटरडे दोपहर 2 बजे पटना से निकलती है और मंडे को ये गोवा हमें सुबह सुबह पहुंचा देगी। ऑलमोस्ट 45 आवर्स हमें लगेंगे जमालपुर से गोवा जाने में। और हम लोग वास्को डिगामा से 2 स्टेशन पहले ही उतर जाएंगे थिविम में, और वहां से हमारा होटल भी काफ़ी नज़दीक है, तो हमारे लिए काफ़ी कन्वीनियंट होगा। इतनी भागा दौड़ी में हम लोगों को लंच करने का तो ध्यान ही नहीं रहा। हम लोग का वैसे प्लान था कि हम लोग पटना स्टेशन में लंच करेंगे, बट कोई नहीं, वो तो पॉसिबल हो नहीं पाया। तो हम लोग घर का बना हुआ लिट्टी और चटनी खा रहे हैं। खाना पीना खाने के बाद मैं तो सो गई, लेकिन मैंने कुछ देर बाद देखा कि मेरे सामने से सीट वाला बच्चा अकेले अकेले खेल रहा है, तो मुझसे देखा नहीं गया। मैं भी उसको कंपनी देने के लिए उसके साथ खेल रही हूँ। पता नहीं आज क्या बात है, हमारी सीट के अगल बगल सिर्फ बच्चे ही बच्चे दिख रहे हैं, और ये सामने जो बच्चा दिख रहा है वो मुझे बार बार झांक झांक के देख रहा था, और हमारी सामने सीट वाले बच्चे भी जाकर के उसके साथ खेल रहे हैं। हमारा डिनर आ चुका है, आज हमने 7 बजे ही डिनर कर लिया क्योंकि हमारा ऑर्डर आज जल्दी आ गया था। ये तुम्हारा खाना वेज था, 180 का ये हमें चिकन थाली पड़ा, और ये वेज थाली 130 का। देखते हैं खाने के बाद ही पता चलेगा कैसा। अब ट्रेन का खाना एक्सपेक्ट भी क्या हो सकते हैं। बहुत ही मतलब बिलो एवरेज से भी बिलो। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मेरी नींद इस आवाज़ के साथ खुली जिसे सुन के मैं स्पीचलेस हो चुकी हूँ। और बच्चे मन के सच्चे ही ने जो चीज़ के लिए आप मना कीजिए वही चीज़ रिपीट करेंगे, और इनके मम्मी पापा तो परेशान हो गए थे इनसे। फ्रेशन अप होने के बाद मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, जिसमें मैं खा रही हूँ लिट्टी और सैंडविच। चटनी, ये है टोमेटो पिचकू हमारा, और ये है ब्राउन ब्रेड, और ये यहाँ पे हमारा सैंडविच रेडी कर दिया है। इतना सा पेड़ नया नया लग रहा है, पेड़ लगाया हुआ ही।
केला का खेती होता है। आजा पापा पास आके देखो, केले की खेती पहली बार विटनेस कर रहे हैं हम लोग। रहने के लिए टेंट भी है लोग, देखो छोटा छोटा केला। बाप रे कितना सारा केला का बगान देख सकते हैं आप लोग। हम लोग महाराष्ट्र में एंटर कर चुके हैं और ये मतलब मुंबई से लोग सोचते हैं कि महाराष्ट्र में भी बहुत रश होगा, इवन मैं भी यही सोचता था, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप सब देख सकते हैं यहाँ पे इतने सारे पेड़ ही आ गए कि कुछ दिख ही नहीं रहा। हमारा लंच आ चुका है, मंगाया है अंडा बिरयानी, देख सकते हैं कुछ खास दिख नहीं रही, बाकी ट्राई करके देखते हैं। साथ में एक सॉस मिला मैंगो पिकल, दूध वाला कॉफी वाला नेस कॉफी वाला स्ट्रॉन्ग एकदम लाइट, 120 का पड़ा हमें ये। लेट्स सी, दूध कॉफी नेस कॉफी वाला आईआरसी की तरफ से कॉफी दूध बॉनिटा नेस कॉफी वाला लीजिए। ओके ओके जैसा लग रहा है। ये हमारी भेलपुरी और साथ में बड़ा पाव, महाराष्ट्र का फेवरेट, साथ में हमारा फेवरेट एप्पी फिज। आके बैठ के खेलो सब। एप्पी है वहाँ बैठने का जगह नहीं है बेटा, बार बड़ा पाव क्या बड़ा पाव, यहाँ बैठ के खेलो सब। 20 का एक पाव मिलता है, टेस्टी। 20 का एक था ना, अच्छा माइंड ब्लोइंग, मतलब इसका कॉम्बिनेशन माइंड ब्लोइंग है। और साथ में हटाइएगा तो ना मिर्ची, आप या तो ऊपर बैठ जाइए खाने के लिए या तो इधर साइड में आ जाइए। और ये साथ में जो भेल है ऊपर नहीं जा पाएगा, बैग रखो यहां साइड में बैठना। मजा आ रहा है। हम लोग नासिक स्टेशन पहुंच चुके हैं। ये देखिए नासिक स्टेशन, बहुत ही भीड़ है, बहुत क्राउडेड है स्टेशन, लग रहा है कोई ट्रेन आने वाली है। तो मुझे चॉकलेट खाने की क्रेविंग हो रही थी तो मैंने इनसे मंगवाया। वैसे तो रात को 1 बजे टाइम था लेकिन अब लेट हो गया है तो कोई नहीं, हम लोग के लिए तो अच्छा है, हम लोग अच्छे से सो गए। हम लोग थिविम पहुंच गए हैं और ये बहुत ही बेसब्री से थिविम को देख रही है, कब आ रहा है थिविम, कब आ रहा है। बट हम लोग थिविम पहुंच गए हैं तो चलिए चलते हैं। तो हम लोग थिविम स्टेशन पे उतर चुके हैं और देखिए कितनी भीड़ है हमारे पीछे, बहुत सारे लोग उतरे हैं साथ में। तो अब देखते हैं कैसा है गोवा, कैसा है थिविम, तो चलिए चलते हैं अपने गाइस। भीड़ देखिए कितनी उतरी है इस ट्रेन से, मतलब जाना मुश्किल हो गया है। ये पूरा एकदम आगे तक 2 मिनट का स्टॉपेज है थिविम में, बट 10 मिनट से ट्रेन रुकी हुई है और लोग उतरते जा रहे हैं। इतने मतलब उतर गए, कितना रश था ट्रेन में, मतलब जनरल बुकिंग वगैरह। हम लोग लगेज लेके अपना खड़े हैं तब से, जब भीड़ खाली होगी तभी जाएंगे। ऐसे रश कितना है, हम लोग तो भीड़ का वेट किए पहले कि थोड़ा भीड़ कम हो जाए, उसके बाद ही हम लोग निकलेंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। मैं दिखाती हूँ कितनी भीड़ जा ही रही है। Thank you.
लोग एकदम जल्दी जल्दी से ब्रिज क्रॉस करके एकदम स्टेशन का हाल है। इतनी ज्यादा भीड़ है ना कि क्या बताऊं। और फिर भी अभी भी खाली नहीं हुआ, अभी भी आ ही रहे लोग। सनराइज का टाइम भी हो गया है, व्यू काफी खूबसूरत है, पहाड़ के बीच में ये स्टेशन है।